मैडम ये क्या बदतमीजी है? अच्छा बदतमीजी, तो जैसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए। हम यहाँ पे शादी में आ रखे हैं क्या? हाँ हम लाइन पे लगे हुए हैं ना, तो तू वीआईपी है जो सीधा कैबिन में घुसेगा। चल लाइन पे लग। मैडम ये क्या तरीका है, पैरल आओगे? अबे ओए तू हम दोनों को तमीज सिखाएगा? तेरे को पता है स्कूल में हमारी बहुत चलती थी और हम दोनों की यहाँ भी चलेगी। ये जॉब तो हम ही क्रेक करेंगे। तू एक काम कर, तू जाके ना वहां चुपचाप बैठ जा कोने में। आया बड़ा। अरे तू इसे यहाँ कोने पे बैठने के लिए बोल रहा है? अरे तो यहाँ कोने पे बैठने लायक भी नहीं है। और ये देखियो कोना सा छोटा सा, इसको तो ना मैं एक लात मारती रहा, फुटबॉल की तरह घूम घूम के सीधा बाहर ही चला जाता। इसको तो लात मारनी चाहिए थी, फालतू में तू यहाँ पे बैठने के लिए बोल रहा है। मैडम मुझे नहीं लगता आपके बिहेवियर देख के आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। देखियो कैसे जुबान चल रही है इसकी, जितना छोटा है ना उतनी लंबी इसकी जुबान। सुन इधर आइए जरा, आना। तू मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगी या नहीं, अपनी ना औकात में, समझा? मैडम आपने क्या बदतमीजी, आपने एक बार चांटा मार दिया, दूसरे पैर अड़ा के आपने गिरा दिया मेरे को। मैडम पर बेशक मेरी हाइट छोटी है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ पैर अड़ा के गिराया और चांटा भी मारा, और जब जब मेरा मन करेगा ना तो तेरे को चांटा मारूंगी, समझा? जा कर ले तेरे को जो करना है। अब ओए ज्यादा बोला ना तो कुर्सी लेके तो सर पे मारूंगा। और हाँ तुझे पता है ये जॉब किस चीज की है? हाँ सेल्स मैनेजर की। और जो सेल्स मैनेजर है ना वो तो तुम जैसे छोटे गिट्ठे लोगों को नौकरी नहीं देते, वो शक्ल देख के नौकरी देते हैं, और टैलेंट भी जो हम दोनों के पास है तुम्हारे पास नहीं है, समझे? जैसे तुम्हारी हाइट है वैसे तुम्हारा टैलेंट भी होगा छोटा सा। तो सेल्स मैनेजर तो छोड़, यहाँ पे ना पानी पिलाने की भी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि तू लोगों के लेवल का तो बनेगा नहीं, तो कहाँ से पानी पिलाएगा उन्हें। तो एक मेरी बात सुन, तू ना सर्कस पे ट्राई कर, वहाँ पे तेरे को अच्छे से नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी भी पे कर देंगे, अरे लोगों को हंसाने के काम आएगा, लोगों की दुआएं मिलेगी, अच्छा है ना? यहाँ पे ताने खाता रहेगा, ताने तो छोड़, जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से ताने खाएगा। मैं आपके तरह नहीं हूँ जो लोगों का शरीर का मजाक बनाता, आपको शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ जॉब लेने के लिए आए हो या लड़ने के लिए? अबे इसने सिर्फ पैर अड़ाया है, अगर तेरी जुबान ऐसी चलती रही ना ये जूता खोल के तेरे मुंह पे मारूंगा। बंद कीजिए आप दोनों, ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने, मैं कब से देख रही हूँ आप दोनों इनका मजाक बनाए जा रहे हैं। अरे ओ बहन जी क्यों फालतू में बकवास कर रही है, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, क्यों बकवास कर रही है? तो उससे पूछा मैंने, तुम दोनों यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो ना तो अपना इंटरव्यू दो और काम खत्म करो, मुझे बोलने की जरूरत है। और वैसे भी तुम दोनों की हालत देख के ये लगता है तुम्हें जॉब तो मिलने से रही, लगता कहीं गांव से आए हो। इनकी कंडीशन देख के ये लगता है ना इनका सीवी भी इनकी तरह फर्टीचर होगा, जब हम लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे ना तब इन दोनों को जॉब पर रखेंगे। हाँ सही कह रहा है तू, हम ना इसको इसका हुलिया देख के तो ऐसा लग रहा है इसको पानी पिलाने के लिए रख देना चाहिए, है ना? वैसे भी गांव से आई है, और कपड़े तो देख इसके कितने फीके से एकदम लो क्लास पहन रखे हैं, शायद इसको पता नहीं है कि इंटरव्यू के लिए आते हैं ना तो ऐसे वेल ड्रेस होके आते हैं, एकदम प्रोफेशनल कपड़े पहन के आते हैं। क्या करें गांव से आई है ना, कहाँ पता होगा। इसलिए हम इसको ना पानी पिलाने के लिए रख लेंगे, अच्छा लगेगा लड़की पानी पिलाएगी, है ना? और मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल ये सूट सलवार पहन कैसे लेते हैं, आजकल तो मॉडर्न जमाना है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। मेरी तो मम्मी भी नहीं पहनती ऐसे सूट जैसे ये पहन के आई है। छी छोड़ना काजल, क्यों के मुंह लगा अपना मूड खराब कर रही है, और तू बोले चल फुट यहां से। ए रुक रुक रुक, तू वहां बैठ रही बहन जी, वहीं खड़ी रह, चल हमारे साथ बैठ के हमारा स्टैंडर्ड भी लो करेगी। देखियो इसकी मैंने इतनी बेइज्जती करी तब भी ये मुंह उठा के यहाँ पे आ गया। और एक बात बता तू बॉस की चेयर पे क्या कर रहा है, तेरे में शर्म लिहाज है भी कुछ या नहीं, या सारी बेच खाई? चल उठ यहाँ से, बॉस की चेयर गंदी कर दी तूने बदतमीज़ का, तुझे पता भी है यहाँ पे बैठने की औकात नहीं है तेरी। अरे सर देखिए ना ये बोना आपकी चेयर पे बैठा हुआ है, इसको भगाइए यहाँ से। अरे मैडम अपना मुंह बंद कीजिए, आपको पता है आप जिसको बोना बोना बोल रहे हो वो कौन है? वो इस कंपनी के बॉस है। क्या? हाँ
ये इस कंपनी के बॉस है। और मैडम और आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, आप अपाहिज आदमी की बॉडी शेम करते हो। अरे आपके घर वालों ने आपको कैसे संस्कार दिए, कम से कम इनको बोलने से पहले ट्रस्ट तो कर लेते आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और एक चीज और, अच्छा हुआ सब कुछ आपने सर के आगे मेरे आगे कर लिया, वरना सर तो आपको जॉब दे देते, और जॉब देने के बाद आप क्या करते, सर का ही मजाक बनाते, हमारा मजाक बनाते, और कंपनी में जो बाकी लोग काम करें उनका मजाक बनाते। अरे आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, आपने यहाँ पे जॉब मांगने आए हो, यहाँ पे किसी शादी ब्याह के अंदर या कॉमेडी सर्कस के अंदर नहीं आए कि आप यहाँ पे लोगों का मजाक बना रहे हो। और एक चीज और, जब उन्होंने सर की साइड ली आप दोनों उनके साथ में क्या करा, उनको बहन जी बोला, उनके कपड़ों का मजाक बनाया। अरे आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम सर को बोना बोल रहे हो, सर्कस में काम करने वाला बोल रहे हो। तुम्हें पता है तुमसे पहले ना ऐसे हजारों लोग सर को बोल चुके हैं, सर ने उनका मुंह बंद करवाने के लिए इतनी मेहनत करी कि आज उस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, करोड़ों की कंपनी के मालिक है। आज भी आप जैसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे देश की सभ्यता को खत्म करने पे तुले हुए हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आजकल का यूथ क्या कर रहा है, छोटे कपड़े को पहनना कूल समझते हैं और जो सूट सलवार पहनता है उसको फूल समझते हैं। मुझे ना पता चल गया आप दोनों की कैसी सोच है। तो सर जो मैं सोच रहा हूँ आपका वही फैसला है ना? हाँ। सुन लिया आपने, आप दोनों की ना कोई जगह नहीं है तो ऑफिस के अंदर, आप दोनों जा सकते हो। अरे सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो पैर अड़ाया भी नहीं था, मैं तो सिर्फ बैठी थी, पैर तो इसने अड़ाया था, आप इसको बोलो ना। नहीं सर ये झूठ बोल रही है, झूठ क्यों बोल रही है, पैर इसने अड़ाया था सर। अरे बस, एक दूसरे को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तुमने किया है ना वो सर के सामने किया था, तो सर को तो पता है कि किसने पैर अड़ाया था, और मैंने भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर देख लिया था कि कैसे तुमने सर को पैर अड़ा के गिराया था। तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है। और एक चीज और, तुम जैसे लोगों के लिए ना सर के ऑफिस में कोई जगह नहीं है, तो तुम दोनों अभी जा सकते हो, निकलो, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। सॉरी सर हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें एक मौका तो दीजिए इस जॉब का, आपको नहीं पता हमें इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है, पर अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ के बॉस है तो मैं कभी गलती नहीं करती, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ये जॉब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर मैडम आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट होती ना और आपके लिए इम्पोर्टेंट होती तो आप दोनों यहाँ के गुंडागर्दी नहीं करते, तमीज से अपना इंटरव्यू देते और इस जॉब को पाते। अफसोस आप दोनों के अंदर तो तमीज है नहीं, तो आपने मेरा आखिरी फैसला सुन लिया होगा, सर का भी सेम यही फैसला है, आप दोनों जा सकते हो, गेट आउट। सर एक मौका सर प्लीज सर, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको आखिरी बार बोलोगे यहाँ से निकलो। और प्राची आप, मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप अपने इस बिहेवियर को कैरी करोगे। और एक चीज और, आप इस सूट में काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर। आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो, आप कल से 9 बजे टाइम पर आ जाना। ओके सर।